नमस्कार, आज जूम मीटिंग आपने अटेंड किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बीच में उसमें एक मुकेश माहेश्वरी नाम के व्यक्ति ने गड़बड़ी कर दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, जिन्होंने किसी प्रोग्राम से अपने साउंड ऑन कर दिया, हमने उनकी मीटिंग की आवाज एक दूसरे को समझ नहीं आ पाई। मूल बातें ये थी कि सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है और ये 5 जुलाई को शाम 4 बजे से शुरू होगा। पहले दिन एक मैच होगा और फिर ये मैच फाइनल जो है इसका वो फिरोजशाह कोटला में करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। खिलाड़ी कौन कौन है आपके क्षेत्र में या कौन कोच है आपके क्षेत्र में, क्रिकेटर कौन है, महिला फुटबॉल खेलने वाले कौन है, एथलेटिक्स वाले कौन है, क्योंकि अभी हम 3 स्पोर्ट्स का, क्रिकेट, महिला फुटबॉल और एथलेटिक्स, इसको लेकर के हम 3 प्रोग्राम करेंगे। पहले क्रिकेट खत्म होने के बाद फुटबॉल, उसके बाद एथलेटिक्स। तो इसमें आपके आसपास जो हो उसको आप बता सकते हैं और वो हमारे पास भेज दीजिए, उसका डिटेल हम उसको बुलवा लेंगे। दूसरी बात कि हमने आज ये भी मीटिंग में कहा कि हमारी 10 टीमें बन रही हैं। गोकुलपुर विधानसभा की, गोंडा विधानसभा की, मुस्तफाबाद विधानसभा की, बाबरपुर, रोहतास नगर, सीमापुरी, करावल नगर, गोंडा, बुराड़ी, तिमारपुर, सिलमपुर, मतलब ये जो 10 विधानसभा हमारी है, 10 की टीम बनेगी और इस 10 टीम के कोई न कोई ओनर होंगे। जैसे आईपीएल होता है ना, हर टीम का कोई ओनर होता है, वैसे ओनर होंगे। तो कई टीमों के ओनर बनने के लिए बहुत लोग आगे आए हैं इस टूर्नामेंट में। अगर आपको भी लगता है कि आप भी किसी तरह से इसमें सहयोगी हो सकते हैं या ओनर बनना चाहते हैं, को ओनर बनना चाहते हैं, तो हमें एक मैसेज कल दोपहर तक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा पहला पोस्टर निकलने वाला है, सारे ओनर्स के उसमें फोटो जाएंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम सभी लोग मिलकर के सांसद खेल महोत्सव को मात्र 1 साल के लिए नहीं, कई वर्षों के लिए हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। तो 5 जुलाई से शुरू है, डिस्ट्रिक्ट पार्क डीडीए का जो है नंदनगरी में, वहां पर खेल होगा और आप सब इसमें पूरे बल से लगिएगा, क्योंकि सांसद खेल महोत्सव है लेकिन मात्र सांसद का नहीं है, हमारी पूरी लोकसभा का है, 10 विधानसभा का है। आप सब इसमें शामिल होइए, अपना योगदान दीजिए, यही आपसे हमारी प्रार्थना।